हेलो, मेरा नाम नेहा है और हम आशा काउंसलर से हैं। आज हम मिनी पॉडकास्ट करेंगे। इससे पहले हमने 4 मिनी पॉडकास्ट किए हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज जो हम बात करेंगे, आज हम डिस्कशन करेंगे, तो आशा मैम, मेरा सवाल है कि जैसे मैं ही नहीं, बाकी और भी स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टडी पर फोकस नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हम लोग हैं ना, सोशल मीडिया मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, जब हम पढ़ने के लिए, हाँ, फ़ोन यूज़ करते हैं, जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो हटता है, सबसे ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे जाता है, फ़ोन पे जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? हाँ, सवाल आपका एकदम सही है, लेकिन हमें यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे आपने बोला कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्शन का मेन कारण फ़ोन और सोशल मीडिया, यही बोल रही हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या जो आपका डिस्ट्रैक्शन है उसका कारण सोशल मीडिया है, या फिर जो आपका सोशल मीडिया में भी आपका जो बार बार ध्यान जा रहा है उसके पीछे भी कोई और कारण है। मतलब डिस्ट्रैक्शन का मेन कारण सोशल मीडिया या कुछ और भी कारण हो सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप टास्क कर रहे हैं, उसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में इंटरेस्ट डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं जो आप कर रहे हैं उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आपका, मान लीजिए, इंटरेस्ट होता बहुत ज़्यादा तो आपका ध्यान सोशल मीडिया पे नहीं जाता। सपोज़ दैट आप कोई अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हैं, आप कोई फेवरेट वेब सीरीज़ देख रहे हैं, राइट? तो क्या आपका उस फेवरेट वेब सीरीज़ को छोड़ करके आपको ये देखने का मन करेगा मेरे फेसबुक पर कितने लाइक हुए हैं, या यूट्यूब पर कौन सी कोई नई वीडियो आई है? नहीं देखने को मन करेगा, कोई नोटिफिकेशन देखने को मन नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम आप अपनी फेवरेट चीज़ देख रहे हैं, यानी वहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट लेवल है वो बहुत हाई है। तो यानी कि प्रॉब्लम ये है कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपका कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके वजह से डिस्ट्रैक्शन है। अब डिस्ट्रैक्शन के लिए सबसे ईजिएस्ट वे क्या लगता है आपको? फ़ोन, जो आपके पास ईजीली अवेलेबल है वो आपको लगता है। तो पहला तो हमने लैक ऑफ इंटरेस्ट पढ़ लिया, लेकिन दूसरा है, ऐसा क्यों होता है कि डिस्ट्रैक्शन या नॉर्मली ही हम फ़ोन को ज़्यादा प्रेफर या यूज़ करते हैं, फ़ोन ही हमारे डिस्ट्रैक्शन का बड़ा कारण बनता है? जैसे कि यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट फोकस पर अवेलेबल है, और मेरा मानना है पर्सनली, फोकस कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको एक वीडियो में 5 मिनट में ख़त्म कर लें। मतलब ये कोई ऐसी परेशानी नहीं है मैं आपको एक वीडियो नाम की टैबलेट दे दूँ और आप खाओ और वो चीज़ ठीक हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हमेशा बोलती हूँ फोकस एक हैबिट है जो बाय द टाइम जनरेट होती है, जिसके लिए आपको कुछ बिहेवियरल पैटर्न को चेंज करना पड़ता है, वो तब आता है। लेकिन आपको ये ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि जो भी आपका कॉज है वो रूट कॉज क्या है, राइट? जैसे कि सोशल मीडिया को आप बोल रहे हो मेन कॉज कि मैम, मेरा सोशल मीडिया की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता, या मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मेरा फोकस नहीं हो पाता, मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, ठीक है? अब आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया का ओवर यूज़ हम करते क्यों हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम सोशल मीडिया का ओवर यूज़ तब करते हैं, देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा फूड है जो आपको पता है आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको पता है उसको खा के आपको फूड पॉइजन हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप खा रहे हो। अब कोई भूखा इंसान है, वो एक ऐसा खाना खा रहा है जिसको पता है उसे खा के फूड पॉइजन हो जाएगा, तो उसकी क्या मजबूरी है, ये समझना ज़रूरी है। कोई जानबूझ के, मान लीजिए मेरे सामने बहुत अच्छा फूड रखा हुआ है, तब तो मैं सड़ा हुआ खाना खा रही हूँ, या मैं एक ऐसा खाना खा रही हूँ जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वो एक समझ में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी इंटेंशनली उस फूड को खा रहे हैं, तो उसका रूट कॉज क्या है, यानी आप सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं उसका रूट कॉज क्या है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप इस कॉज को समझेंगे तब आप एक्चुअल सॉल्यूशन तक जा पाएंगे। जैसे कि इस तरह से हम समझते हैं, आपको भी पता है, देखने वाले सभी व्यूअर्स को पता है कि सोशल मीडिया जब भी हम यूज़ करें, मोबाइल का ओवर यूज़ कर रहे हैं, एक तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा, हमारी मेंटल इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, हमको एंजाइटी होती है, हमको बहुत ज़्यादा क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा बॉडी में जो है हमारे बहुत तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे आइस में प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट कम हो जाती है, सोशली हम आइसोलेट हो जाते हैं, लोगों से कट जाते हैं, रिलेशनशिप इशू रहते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है,
स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, स्लीपिंग लैक ऑफ, मतलब स्लीपिंग हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। जब हम बहुत ज़्यादा टाइम फ़ोन पर बिता लेते हैं तो हमारे अंदर रिग्रेट आता है, हमारे इंपॉर्टेंट टास्क छूट जाते हैं, हमारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम हम छोड़ करके हम उस जगह लगे, तो क्या हम पागल हैं? कोई भी बेवकूफ़ है क्या? नहीं, बेवकूफ़ तो कोई नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट काम छोड़ करके हम क्या करते हैं? हम सोशल मीडिया और फ़ोन पे लगते हैं। यानी हम बेवकूफ़ नहीं हैं, लेकिन कुछ कारण है, हमारा कोई ना कोई एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो हमको वैसा करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो हमें वो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई? और जैसे मेरा एक सवाल है कि बहुत से लोग जो होते हैं जैसे सोचते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मतलब बहुत परेशान हूँ, तो मेरे पास अभी कुछ नहीं है या फिर कोई है नहीं बात करने के लिए, तो मैं सोशल मीडिया का यूज़ कर लेता हूँ। एग्जैक्टली, मैं इसी पॉइंट पर आ रही हूँ। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि जो भी लोग सोशल मीडिया या मोबाइल का कंज्यूम कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, वो उससे अवेयर है, उसके उसके जो साइड इफेक्ट है उन सबसे अवेयर है, राइट? अब अवेयर होने के बाद भी कोई इंसान वो मिस्टेक क्यों कर रहा है? देखिए, एक पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी आप सोशल मीडिया और मोबाइल का बहुत ओवर यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ उस टाइम आप लोनली होंगे, कहीं ना कहीं आप प्रोकास्टिनेट कर रहे होंगे, आप नोटिस कीजिएगा, कहीं ना कहीं स्ट्रेस होगा माइंड में, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे स्ट्रेस होगा, कोई ना कोई एंजाइटी होगी, कोई ना कोई फेयर होगा, कोई ना कोई डिप्रेशन होगा, किसी ना किसी रिलेशनशिप इशू होगा। अब आप उस एक्चुअल चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए आप क्या करते हैं? आप अपना फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब होगा, टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब होगा, आपके अंदर कोई ना कोई प्रेशर होगा, जिस प्रोसेस प्रेशर को एक्नॉलेज करने की जगह, उस चीज़ को, उस डर को एक्नॉलेज करने की जगह, उस पर काम करने की जगह, उस चीज़ों को जो आपकी लाइफ में चल रही है उसको काम करने की जगह, आप क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ढूंढते हैं अपने माइंड को, अपने इमोशन को रिलीफ करने के लिए। और वो क्या होता है? स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियोस, फ़ोन पर कॉल पे किसी को बात कर लेना, ठीक है? तो वो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की तरह हम उसे यूज़ करते हैं। उसका कारण क्या होता है? हार्मोन लेवल्स पर होता है, एक डोपामाइन हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, जो हमें एक शॉर्ट टर्म लेवल पर एक रिलीफ दे देता है। उस रिलीफ के लिए हम क्या करने लगते हैं? उस टूल को जो हमारे पास है उसको यूज़ करने लगते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम, फोकस का जो प्रॉब्लम है वो सोशल मीडिया, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, वो है जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो हमारा डिस्ट्रैक्शन है जो वो हट रहा है, वो फोकस है, वो हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मेन कॉज है जिसको आप कॉन्स्टेंटली अवॉइड कर रहे हैं, अगर आप उन्हें इग्नोरेंस कर लें, अगर आप उनके साथ बैठ जाएं, अगर आप उनका सोल्यूशन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या आप फिर ओवर मीडिया, जो आपको लगता है कि आपका जो ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया प्रॉब्लम सॉल्व होगा? अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो आपको लगता है कि आपका फोकस होगा? तो मेन प्रॉब्लम क्या सोशल मीडिया है? मेन प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं है, मेन प्रॉब्लम क्या है? वो कारण है जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया में या मोबाइल में ओवरली इंगेज्ड हो रहे हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप सोशल मीडिया या मोबाइल का ओवर यूज़ करें, तो उस टाइम आप थोड़ा रुकें, थोड़ा ठहरें, और अपने इमोशनल और मेंटल बॉडी के साथ कनेक्ट हो, और समझने की कोशिश करें कि आपके उस टाइम पे इमोशनल और मेंटल जो सिचुएशन है वो कैसी है, किस चीज़ को आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, किसे आपको एक्नॉलेज करके उसको रिलीज करने और उसको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, किस तरह अपने उस बॉडी पर उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक्चुअल कॉज पर काम कर सकें। और रोज़ रोज़ आपको फोकस पर कोई वीडियो या एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, ये वीडियो जो है ना, ये मतलब कोई बहुत सिंपल सा मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि ओब्वियसली वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, तो बहुत सिंपल सा वीडियो है, लेकिन मैं एक नॉलेज के मामले में इस बात को आपको बाय गारंटी कह सकती हूँ कि इस तरह का कंटेंट या नॉलेज लेवल पर आपसे कोई बात नहीं करेगा। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग एक्सटर्नल चीज़ों पर बात कर रहे हैं, मैं आपको इंटरनल सॉल्यूशंस की बात कर रही हूँ।
मैं आपको एक्चुअल जड़ बता रही हूँ, लोग जड़ पर बात नहीं कर रहे, लोग क्या कर रहे, बाहरी सॉल्यूशंस पर बात कर रहे। तो आपको इस वीडियो में के माध्यम से जो मेन कॉज होता है उसको समझाने की कोशिश की गई है। अभी आपके अंडरस्टैंडिंग है, आप इसे कितना समझ पाए हैं, अगर आप समझ पाए हैं, आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह के कॉन्टेंट के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, नमस्ते।